बेटी ना जाने ये बेटी भी क्या अजीब चीज होती है। बेटी जब शादी से स्टेज से ससुराल जाती है तब वो पराई नहीं लगती थी, मगर जब 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 वो मैके आकर हाथ धोने के बाद सामने लड़के के टावल के बजाय अपने बैग से मुसर सामान निकाल कर पूछती है तब तब पराई लगती है। जब वो बावर्ची खाने के दरवाजे पर नामालूम सी खड़ी हो जाती है तब तब वो पराई लगती है। जब जब पानी के गिलास के लिए इधर उधर आंखें की आती है वो पराई है। जब जब पूछती है वाशिंग मशीन चल चल क्या वो पराई लगती है। जब जब मेज पर काका लगने के बाद भी पल पल खोल कर नहीं दे दे तो पराई लगती है। जब पैसे से देवल अपनी नजरें चुराती है तब वो पराई लगती है। जब जब बात पर वैर जरूरी कह कह के लगा कर खुश होने का ड्रामा करती है तब वो पराई लगती है। और लौटते वक्त अब कब आएगी के जवाब में देखो कब आना होता है ये जवाब देती है तब हमेशा के लिए पराई हो गई ऐसे ऐसे। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब वो चुपके से अपनी आंखें छुपा कर कोशिश करने की कोशिश करती है तो वो पराया छटके में बह जाता है तब पराई लगती है। नहीं चाहिए भैया मेरा मायका सजाए रखना कुछ ना देना सिर्फ मोहब्बत बरकरार रखना अब्बू के इस घर में मेरी याद बसाए रखना बच्चों के जहनों में मेरा राम बरकरार रखना बेटी भी हमेशा इस घर की ये इज्जत सजाए रखना बेटी से माँ का सासर बेफिक्री से फिक्री का सासर रोने से खामोश कराने का सासर गुस्से से तहमल का सासर। पहले जो आंचल में छुप जाया करती थी आज किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो झोली पे कंकर लगने से घर को सर पे बिठाया करती थी आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले जो छोटी छोटी बातों पे रो जाया करती थी आज वो बड़ी बड़ी बातों को जहन में छुपाया करती है। पहले भाई और दोस्तों से लड़ लिया करती थी आज इनसे बात करने को भी तरस रहा करती है। माँ कह कर पूरे घर में खेला करती थी आज माँ सुन के आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराया करती है। दसर से उठने पर भी जल जल जाना होता था आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। अपने शौक पूरे करके करके ही साल गुजर जाता था आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने में तरस जाया करती है। सारा दिन फ्री होके भी बिजी बताया करती थी अब पूरा दिन काम करके भी काम चोर कहलाया करती है। एक इम्तिहान के लिए पूरा साल पढ़ा करती थी अब हर रोज बगैर तैयारी के इम्तिहान दिया करती है। ना जा जाना काका किसी की बेटी किसी की माँ बन गई काका बेटे माँ के सफर में तब्दीली हो गई। बेटे की उम्मीद पे फकर बाप पूरा उतरता है ये किसी और के बस की बात नहीं। बाबा मुझे छोड़ कर गए तो जमाने ने बताया कि जिन बेटियों के बाप नहीं होते इनका कोई भी हमदर्द नहीं होता।
बेटे अगर औलाद नहीं ना होते हैं तो बेटियां भी औलाद नहीं ना होती हैं और इन लगीनों को ठेस नहीं लगने चाहिए चाचा वो अपनी हो या पराई और जिस दिन तुम बेटे के बाप बन जाओगे जब वो तुम्हें माल नहीं मान नजर आएगी हर बेटे का बाप बादशाह नहीं होता पर हर बेटी अपने बाप के लिए शहजादी जरूर होती है बेटियों का दुख समझना बड़ा मुश्किल है इनके लिए तो इसी घर में जगह नहीं रहती जहां पैदा होती है बेटे नेमत है और नेमतों का हिसाब लिया जाएगा बेटियां रहमत है और रहमतों का कोई हिसाब नहीं बेटियां फूलों की तरह होती हैं इनकी कदर करो क्योंकि ये फूल आपके घर की जीनत है बेटी रहमत का दरवाजा बख्शिश का जरिया और जहन्नम की ढाल है बेटे की कदर कर बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहां होती हैं बेटी अल्लाह की रहमत होती है और रहमत कभी बोझ नहीं होती न जाने ये बेटी भी क्या अजीब चीज होती है बच्चों की आज एक छोटी सी पार्टी है और उसमें हम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनके लिए एक वीडियो बना रहे हैं छोटी सी आइए कैमरा साहब जी बच्ची आपका नाम क्या है ऊंची बोलो सर पापा क्या नाम है अच्छा कौन सी क्लास में हो आप किधर आई हो किधर आई कहाँ आई हो आप कितनी खुशी हुई है आपको बर्थडे का दिन है आपको क्या खुशी हो रही है देखिए अब हम आते हैं पढ़ूंगी टीम में बच्चों की सीरत इन बच्चों का लीडर हम उनसे बात करते हैं कि आपका नाम है क्या करते हैं आप यहाँ क्या लेने आए हैं आप बर्थडे ये आपने बर्थडे कैंप क्यों करनी आपको ठीक है अल्लाह क्या करते हैं आप आपका नाम क्या है क्या करती है
अच्छा पढ़ा करो यार। आपका नाम क्या है? अहिल है आपका नाम? मुझे बोलो ना क्या करते हो आप? ये खाना कितना थोड़ा ज्यादा ठीक है। ये है हमारी छोटी सी मासूम सी जिसके दांत चूहे ले गए हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आते हैं हम ज़ैनब उर्फ पासवान साहब, उनका नाम मुझे पता है। आपका नाम क्या है? अच्छा आप पापा क्या नाम? आप हजुमान बोला। हम यशवीन के पास आते हैं। यशवीन आपका नाम क्या है? क्या करती हो आप? केक खाना? कितना सा खाना? उसी बोलो ना आपका नाम क्या है? तो क्या करते हो आप? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं तो यहाँ किसकी बर्थडे है? ये बच्चा देखे कितना कॉन्फिडेंस है, पर है हमारी गली का बहुत डीट किस्म का। क्या करने आई है यहाँ? हैप्पी बर्थडे करने के आई है आप? ये देखिए बर्थडे का डॉन साहब रिपोर्टर साहब को बहुत मार रहे थे जूम कीजिए के ना यार, ईशा को अभी बुलाया जाएगा थोड़ी देर तक। अभी कुछ देर जलाया जा रहा है, बच्चे बहुत गौर से केक को देख रहे हैं क्योंकि इनको बहुत भूख लगी है अभी। अभी कैमरामैन जो है वो अभी मेरी तरफ भी गौर करेंगे थोड़ी देर तक क्योंकि मैं केक काटूंगा बच्चों के साथ मिलकर। जी बच्चे इतनी जोर से देख रहे हैं कैमरामैन साहब हमारे इस पार्टी के।
ज्यादा दस किसकी सालगिरह रिशा की। चलो ठीक है, तो केक मजे का है। अच्छा जी, तो ये सारा खाना है। कितनी प्यारी इसने ड्रेसिंग की हुई है। ये बच्चे आगे तो गुजर रहे हैं ड्रेसिंग के साथ, और ये आप केक फिनिश कर दिए। बच्चे दोबारा वापस आ गए हैं, मेहनत कर ली है, अब ये थोड़ा इंजॉय करेंगे। ये हमारी छोटी सी बेटी है, हर प्यारी लग रही है। हाँ जी, बड़ी बड़ी प्यारी है। गिफ्ट दिखा दो अपना। लेकिन हम इनसे अब हम आप करेंगे, शुगर लगाएंगे उनकी। तो शुगर लगा के देखेंगे हम बच्चे क्या कर रहे हैं। नाम भूल गए हैं आप, एक बार फिर इनसे इंट्रोडक्शन की जाएगी। सबसे पहले हम आते हैं इस बच्ची की तरफ। जी पहन भी था साहब। ओहो, आपका नाम क्या है? जैनी। मुझे गलत फहमी हो गई थी, आपका नाम होना चाहिए किरण। किरण किरण नहीं जी, आपका नाम मानो साहब, मानो और बिल्ली। सॉरी सॉरी, आपका नाम क्या है? विस्मा। वो कौन सा नाम है? विस्मा। ये आपके दांत को क्या हुआ? बिल्ली। ओहो, विस्मा। और ये आगे आते हैं, आपका नाम क्या है? रीबा।
आगे पूरा नाम बताएं अपना। रिबा सहर। लो जी ये रिबा उर्फ सहर, जो रेगिस्तान का सहर आता है उसको कहते हैं रिबा सहर। ये आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताएं अपना। पूरा नाम ये सीरत फातिमा। अच्छा, किसकी सालगिरह पे आए? मैं अपनी आंटी की बेटी की सालगिरह पे। आपका इतना लंबा रिश्ता कैसे हुआ? अपनी फ्रेंड की आंटी की बेटी की सालगिरह पे कैसे आई हो? कैसे आई हो? आपका नाम क्या है? कौन सी नाया? एपीके पंजाब की मैनेजर या दूसरी नाया? ये इनको सिर्फ एक लफ्ज ही आता है, अनाया। तो अभी हम पीके पंजाब विलेज के मैनेजर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? कौन सी नाया? दूसरी हो आप तो मैनेजर हो, दूसरी तो वो है। आप कहाँ से आई हो? हाय। अच्छा, आपका नाम क्या है? महरम फातिमा। महरम सफर रबिया वर रबिया। अच्छा, आपका नाम क्या है? हाय, क्या नाम है? वो जो ग्राम पाक में नफर जाता है, यशवी। ठीक है, आप तो बात ये ही ठीक तो इतना हुआ अपना। ये आपके कान पीके की तरफ क्यों? पीके की तरफ जैसे पीके फिल्म आपने देखी है मूवी, उसकी तरह आप हमारे पास भी एक पीके है, ये देखिए। लो जी, आप कहाँ से आए हो? बेगवाला से आए हो? तो बेगवाला में रहा करो। इनका नाम पूछते हैं जी, आपका नाम क्या है? हैदर। कौन सा हैदर? आपको बात नहीं आती? अच्छा जी, और पास ही दे आप। आपका नाम क्या है? अब्दुल मान बीलर। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार और अक्षय कुमार साहब, आपकी मुझे बॉस फिल्म बहुत अच्छी लगी। वो जो आपने की थी ना मुठी बाजी, इनके चिकार इनके चिकार, वो वाली फिल्म बहुत अच्छी है मेरे यहाँ पे। हाथ छुटो। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? कौन सी मीदा? कौन सी मीदा? ये मुझे भी खानी चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? कौन सी बातियां मुझे भी बताओ ना। इस बच्ची की तरफ देखे कैमरामैन साहब, गौर करें, मुंह में उंगलियां सूची हुई हैं। आपके घर वाले आपको दूध नहीं देते? अच्छा, आइए ऐसे आपने तीर दिखाइए, बोलो ना फिर। ये तीर अल्लाह ने बनाई ना, फौज पा गए हैं, जनाजे का नान कल किया जाएगा। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? कौन सा पिज्जा? आप क्या करते हैं आजकल? क्या करते हो? बाप रे, पढ़ते हो? अच्छा, ये कौन है? आपका नाम क्या? कौन सी परीक्षा? कौन सी दिशा हुआ? ये अरिशा है, अरिशा। ये क्या? अच्छा, ये हम आते हैं इस पढ़ाड़ी को, अल्लाह पर
राहपरी के पास आते हैं। जी आपका नाम क्या है? जी अनायत, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जी कैमरामैन साहब मेरी तरफ गौर कीजिए जरा, इस बच्चे की बर्थडे है ना, ये बोलती है ना कहती है, जिद भी बहुत करती है। हमारे तमाम दोस्तों को ये पैगाम है कि इस बच्ची को समझाएं, कमेंट्स करें, इस बच्ची को क्या पता आपके स्मार्ट से समझ आ जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये बच्ची देखिए कितनी क्यूट है, ये चाइनीज है, ये चाइना से हम लेके आए हैं, सामने लेके चाइना से लेके आए हैं हम इसको। ये देखें इसके बाल भी चाइना वाले हैं। जी जय जवान, चाइना का कबूतर है ये, ठीक है, चाइना कबूतर। सब्सक्राइबर जी, मैं कहने सब पार्टी आप हमें इनवाइट किया गया था और हम इस पार्टी पर आए और बहुत इंजॉय किया, बच्चों को भी हंसाया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। जी आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और हमारे बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हम तमाम वीडियो आप तक पहुँच सकें। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। देखिए बच्चे हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहे, किया जाए, इसलिए मैं वापस आया हूँ। दरवाजे से मुझे धक्के मार मार के मुझे अंदर फेंका है, इसलिए थोड़ा सा मन किया जाएगा, थोड़ा सा फील किया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे रुके हैं। सारे बच्चे शोर मचाओ, मुझे जाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, और नहीं तो पूरी रात आज बच्चों के साथ चिल करते, इंजॉय करते, इसलिए ठीक है।